audio jungle. गरीबों के मसीहा बने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री चौधरी पुत्तन आजाद का उनके आवास पर पहुंचकर उनके समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उनके जिला मंत्री की खबर सुनते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर पहुंचे उनके समर्थकों के साथ इमाम हाफिज मोहम्मद मियां ने कहा, आज बड़े गर्व की बात है, भाजपा सरकार ने चौधरी पुत्तन आजाद को अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला मंत्री बनाया है, जिससे गरीब लाचार जनता को उम्मीद और ज्यादा जाग गई है। गरीबों के मसीहा चौधरी पुत्तन आजाद की मेहनत रंग लेकर आई है। वहीं दूसरी ओर चौधरी पुत्तन आजाद ने कहा, मैंने पूरी लगन और मेहनत के साथ भाजपा सरकार को उठाने का काम किया है और भाजपा सरकार ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसको पूरी मेहनत और लगन ईमानदारी के साथ निभाने का काम करूंगा, आगे भी करता रहूंगा। चौधरी पुत्तन आजाद हमेशा से गरीबों की आवाज को उठाते आए हैं और अपने ढाबे पर बैठकर लाचार गरीबों की मदद भी करते नजर आते हैं। चौधरी पुत्तन आजाद ने कहा, भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें हर वर्ग के व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है और हमेशा मिलता रहेगा। उन्होंने कहा, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सरकार फिर से परचम लहराएगी। चौधरी पुत्तन आजाद ने कहा, मैंने हमेशा से गरीबों की आवाज को उठाने का काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। इस मौके पर इमाम हाफिज मोहम्मद मियां, रियाज मोहम्मद, इब्ने अली कासिम अली छुट्टन खान, जुनेरा प्रधान आदि मौजूद रहे।